आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में, आपके साथ संजीव झा। इस वक्त चांदनी चौक पे हैं और हमारे साथ में हैं अवतार सिंह मेयर साहब, जो कि नवयुवक रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं, कब से यह रामलीला कमेटी से का चल रहा है, बताएं सर। जय श्री राम। श्री नवयुवक रामलीला कमेटी कश्मीरी गेट जो है, सबसे पहली बार जो ये शुरुआत हमने की 1972, लगभग 48 साल पहले कश्मीरी गेट की तंग गलियों के अंदर ये रामलीला हमने गली के बच्चों के साथ मिलकर शुरू करी। तब इसका बजट मात्र 95 रुपये था, 95 रुपीज़। जब हमने शुरू किया तब से लेकर अब तक इसका सफ़र बहुत लंबा है। जी, कितने वर्षों से करीब? 48 सालों से मैं इस रामलीला के अंदर निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। जी, और छोटे बड़े रोल करता हुआ आज मैं यहाँ पर प्रभु राम की कृपा से हूँ कि सिविल लाइन का निगम पार्षद हूँ और नॉर्थ दिल्ली का मेयर हूँ। जो भी मैं हूँ उसका सब श्रेय। सर, रामलीला करते करते पॉलिटिक्स में कब से आ गए? मैं बाल्यावस्था से स्वयं सेवक हूँ, 7 साल की उम्र से, और स्वयं की दृष्टि से जहाँ जहाँ काम करने को मुझे मौका मिला, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो श्रम एरिया हो, जब पार्टी का निर्देश हुआ यहाँ से लक्ष्य लड़ना है तो मैं लड़ा। और मेरा काम है सेवा करना, कहीं भी करवाना। कितनी संख्या में सर यहाँ गैदरिंग रहती करी? लगभग 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं, और दशहरे के दिन और भी बहुत लोग ज़्यादा आते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आते हैं? जो हमारे साधु सांसद हैं, इस बार हमने हरदीपपुरी जी से बोल प्रार्थना की आने के लिए, तो जो दिल्ली के सांसद हैं या केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर अवश्य आते हैं। क्षेत्रीय निगम पार्षद और आसपास के जो जोनों के चेयरमैन हैं, हमारे डीसी हैं, हमारे कमिश्नर हैं, सब लोग यहाँ देखने आते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस बार नज़दीक हैं, इस बार स्पेशल में विशेष रूप से क्या देखा गया है, अरेंज किया गया यहाँ पे? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, वो पार्टी का जो निर्णय है वो करेगी। हम लोग का काम है सेवा करना और क्षेत्रीय लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ वो देना, उसके लिए हम तत्पर हैं। सुबह शाम 24 घंटे 7 दिन हम यहाँ पर तैयार हैं। जब भी किसी का फोन आता है या मुझे जाना होता है, अक्सर अपने क्षेत्र में मैं हमेशा घूम घूम के पहचान देखता हूँ। रामलीला में आपकी भूमिका कौन सी रोल में पेश करते हैं आप? रामलीला के अंदर जो काम मिल जाए, बचपन से करता आ रहा हूँ। रावण का अभिनय किया मैंने, केवट का अभिनय किया मैंने, तारिका का अभिनय किया। इस बार यहाँ पर कल कौन सा रूप धारण करेंगे आप? कल केवट का रूप धारण करके मैं यहाँ पर रामचंद्र जी को गंगा पार कराऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जैसे मैं कर रहा हूं वो भी मेरी जीवन नैया को पार करें। रामलीला के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को क्या कहते हैं आप? मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, अपने जीवन में रामायण को जगा दें, क्योंकि रामायण के हर शब्द में, हर पृष्ठ पे मर्यादा का पालन किया गया है। चाहे वो पिता का पुत्र के हो, पत्नी का पति के लिए हो, भाई का भाई के, ये सभी बातों को हम अगर जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन राम राज्य की तरह हो जाएगा। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।